जय भीम बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बहुत, आप देख रहे त्रिशन लाइव टीवी। इस वक्त हम गिरिडीह जिला में उपस्थित हूँ और यहाँ पे दुधपनिया मध्य विद्यालय स्कूल में यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है जो डॉक्टर के द्वारा निशुल्क चलाया जा रहा है। चलिए आज हम जानते हैं कि किस माध्यम से और क्यों लगाया गया है। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ राष्ट्रीय एकता भारत सरकार। तो चलिए हम यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किए हुए उनसे हम जानना चाहेंगे, उस पदाधिकारी से, कि ये जो कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे निःशुल्क कराया जा रहा है। तो चलिए सर, सबसे पहले हमारे त्रिशन लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ के माध्यम जो ये बैनर तले आप जो कैंप लगाए हुए हैं उसके बारे में कुछ, अपना संगठन के बारे में कुछ बताइए और इस संगठन में क्या है और ये लगाने का उद्देश्य क्या है। सर आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का जो कवर करने आए। अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ अर्थात राष्ट्रीय एकता की तरफ से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप संगठन की ओर से लगाया गया है, जिसमें गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जाँच किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है और निःशुल्क मेडिसिन भी गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संगठन का मेन उद्देश्य है गरीब, शोषित, पीड़ित, लाचार, असहाय लोगों को सहयोग करना, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक लक्ष्य ही है संगठन का, सेवा ही एक लक्ष्य समझ सकते हैं इसको। तो इसमें से हम लोग आसपास के गांव में पूरा प्रचार किए, लोगों को जागरूक किए, बताएं, और इसमें काफ़ी सहयोग किए हैं हमारे जो इस पंचायत के पूर्व मुखिया जी थे माननीय हरिलाल मरंडी जी, इन्होंने भी कोऑपरेट किया है। इन्हीं के देखरेख में इस आज ये इतना बड़ा कैंप का आयोजन हो गया है और इसमें से अभी तो हम लगते हैं कि 100 लोगों से ज़्यादा लोग तो दिखा चुके हैं और काफ़ी लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, दिखा रहे हैं, और काफ़ी गरीब लोग को इच्छा हुआ है कि नहीं फ्री मेडिकल चेकअप कैंप से, चूँकि बाज़ार में दिखा नहीं पाते, वहाँ फीस लग जाता है, इस कारण से बहुत सारे सुविधा हम लोग यहाँ पर दिए हैं, तो काफ़ी सहायता मजदूर लोगों को हो रहा है, गरीब लोगों को हो रहा है। तो इस कारण से हम लोग देखे कि नहीं इस इलाके में बहुत सारा शोषित पीड़ित मजदूर लोग हैं, तो कुछ समाज सेवा हो जाए, जन कल्याण हो जाए, मानव सेवा हो जाए, इसी उद्देश्य से हम लोग इस फ्री मेडिकल कैंप चेकअप का आयोजन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस संगठन के माध्यम से इस तरह के सराहनीय काम शुरुआत किए हैं और इस तरह से हर एक संगठन को आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और हमारे जो पदाधिकारी गण उपस्थित है, दो शब्द कुछ जनता के लिए आप सर कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ, चूँकि इस सुदूर क्षेत्र में आकर के जन समस्याओं को मैंने अनेक जगह प्रसारित करने का आप लोगों ने अवसर दिया, मैं इसलिए आप लोगों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ चूँकि हमारा जो है सो समाज सेवा ही मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य हम अपने आप को रखे हैं और मैंने समाज का मैंने दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब गुरबों का जो अशिक्षा है उनको जो है सो जागरूक करने का काम मैं करता हूँ, और चूँकि इस पंचायत का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ और करते आ रहा हूँ, और यहाँ पर जो है सो मैंने अखिल भारतीय मैंने मजदूर सेवा संघ द्वारा जो आयोजित की गई है, ये जो है सो मैंने हम लोगों ने ये जो मजदूर सेवा संघ के पदाधिकारी अथवा जो मैंने सेवा करते आ रहे उन लोगों ने हम लोगों से सहयोग मांगा, और चूँकि ये क्षेत्र जो है सो मैंने गरीब गुरुआ है तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी मैंने योगदान निभाने में अग्रणी रहे हैं और रहते आए हैं, चूँकि यहाँ मैंने गरीब लोगों का ही मैंने यहाँ जन आबादी अधिक है, चूँकि यहाँ पर मैंने शिक्षा अभी जो है सो अभी के दौर में मैंने बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा पूर्व के लोगों में बहुत कम जागरूक था और अभी जो है सो अभी मैंने शिक्षा में कुछ मैंने बदलाव आया है, लेकिन हम लोग जो पूर्व से यहाँ देखे कि भाई यहाँ पर मजदूर लोगों का, गरीब शोषित लोगों का जो अखिल भारतीय सेवा संघ द्वारा आयोजित जब की जा रही है तो क्यों नहीं हम लोग भी जो है सो इसमें हाथ बढ़ाएं और इसमें सभी आदमी मिल करके यहाँ का मैंने काफ़ी लोगों का जो है सो अभी निःशुल्क चिकित्सा का
उपलब्ध कराया गया है और गिरिडीह के एक से एक प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा अभी चिकित्सा का मैंने निःशुल्क भाव से उन लोगों को भी जो है सो मैंने अपना योगदान दे रहे हैं और इसमें जो है सो हम लोग जो मैंने सभी आदमी मिल करके सहयोग दे रहे हैं और करते रहे हैं और रहेंगे। मैं इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस विषय में बेहतर रूप से बताएं। देखिए यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ ऋषि आसन भुइयां अनुसूचित जाति आदिवासी पिछड़ा वर्ग समुदाय के राष्ट्रीय एकता भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नई दिल्ली रजिस्टर्ड संख्या 12/12/16 है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार 20 मई 1982 को भारत सरकार ने दिल्ली से स्थायी पंजीकृत है। और इसमें जो इस संगठन में कार्य कर रहे झारखंड के जो कुछ गणमान्य व्यक्ति है, जैसे कि रोहित वर्मा जी जो संगठन सचिव झारखंड प्रदेश का है, सीताराम दास गवर्निंग बॉडी झारखंड प्रदेश, दशरथ रविदास प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, मदन मोहन महतो प्रदेश सचिव झारखंड, उसके बाद इधर पूर्णिमा देवी प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच झारखंड, सुधीर कुमार प्रदेश महासचिव झारखंड, डॉक्टर मंजू कुमारी जिला अध्यक्ष गिरिडीह महिला मंच एवं शंभू वर्मा जिला संगठन सचिव गिरिडीह। तो ये सब गणमान्य व्यक्ति मिलकर ये बहुत अच्छा जो काम शुरुआत किए। चलिए यहाँ पे एक और पदाधिकारीगण है उपस्थित, डॉक्टर साहब से या तो दो शब्द हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ कराया जा रहा है। यहाँ पे एट फर्स्ट गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यहाँ पे सभी तरह के बीमारी का, चाहे वो लकवा हो या जनरल तरह के, हर तरह का बीमारी का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे गिरिडीह जिला के प्रमुख डॉक्टर जैसे डॉक्टर ए के वर्मा, अजय कुमार, राकेश रंजन एवं शशिभूषण प्रसाद, रितु कुमारी, डॉक्टर सचिन कुमार वगैरह उपस्थित हैं। और सर आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, चूँकि इस तरह का कैंप हर जगह लगना चाहिए या तो केवल एक ही बार लगा के समाप्त हो जाए? यह फ्री मेडिकल चेकअप जो है हम समझते हैं कि हर गांव हर पंचायत में लगना चाहिए, क्योंकि जो तबका है हमारा, जो बहुजन मूल निवासियों का समाज है, बहुत गरीब तबका है, वो इलाज के अभाव में बहुत से जो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं, इसलिए इस तरह की जो कार्यक्रम है हम चाहते हैं कि जो सामाजिक समाज की सेवा के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं और जो डॉक्टर फ्री सेवा देना चाहते हैं, उस तरह के लोग फ्री में अपना फ्री मेडिकल चेकअप लगा करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने का प्रयास करें, ताकि जो है हमारा जो मूल निवासी समाज है बहुत गरीब असहाय महसूस करता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, लोग अपनी बीमारी का इलाज पैसे के अभाव नहीं करा पाते हैं, कम से कम उनको राहत यह मिलेगा और एक उनके अंदर जो समाज के प्रति है चेतना जगेगी कि नहीं, समाज में हमारे लोग कुछ देखने वाले हैं, समाज में इससे एकता कायम रहती है, बंधुता कायम रहती है, मेरा यही कहना है। धन्यवाद। देखा जाता है कि गांव ग्रामीण में जो काफ़ी दबे कुचले लोग रहते हैं, काफ़ी जो सो शहर की ओर नहीं जा पाते और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज भी नहीं करा पाते, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे बीमारी से उसको काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो इस राष्ट्रीय एकता के तहत गांव ग्रामीण की ओर से चलाया जा रहा है एक निःशुल्क जाँच। चलिए हम एक और इस संगठन का जो झारखंड का गवर्निंग बॉडी है इनसे जानना चाहेंगे। सर आप दो शब्द रखेंगे कि मतलब इस मूल निवासियों के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो इस तरह का कार्य जो आपके संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है, वैसे यहाँ के जो दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहिए। मेरा नाम सीताराम दास हुआ, मैं झारखंड प्रदेश का प्रभारी हूँ। गवर्निंग बॉडी मेरा बैनर लगा हुआ है, इस संगठन के तहत में मैंने यहाँ पर निःशुल्क जांच शिविर लगाया हूँ और सब वरिष्ठ डॉक्टर लोग आए हुए हैं, सारा ग्रामीण जो इतने भी लोग हैं, जो पेशेंट लोग हैं, उनका निःशुल्क जांच किया जाता है। और इस तरह से जो हम बराबर कार्यक्रम लगाएंगे झारखंड के अंदर में, झारखंड राज्य के अंदर में बहुत सारे दबे कुचले हैं, बहुत शोषित पीड़ित मजदूर हैं, जो गरीब बेचारे जो लाचार होकर के वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वैसे लोगों को हम निःशुल्क सेवा शिविर लगाने का काम करेंगे और ये संगठन के तहत हम आज़ादी की भी लड़ाई लड़ेंगे। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से जो कार्यक्रम चलाते रहे और
हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हमारे रोहित वर्मा हैं और विनय बाबू हैं, विनय यादव हैं और पूर्णिमा जी देवी हैं और हमारे ये दशरथ रविदास जी हैं, तमाम हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं स्टेट स्तर का हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन ग्रामीण में जो हमारे मुखिया जी हैं, जो प्रतिनिधि जो चल कर आए हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मीडियाकर्मी जो हमारे मेघलाल बोध जी आए हुए हैं और कीर्ति बोध जी आए हुए हैं और हमारे ये गौतम जी आए हुए हैं हमारे गुरुकुल से, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कीमती समय लेकर के आज इस कार्यक्रम में हम पधारे हुए हैं और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस विषय में आप बेहतर तरीके से आप बोले और दरअसल जो गुरुकुल कल्याण से भी चल के आए हुए इसे इस कैंप में आप सर दो शब्द रखे जनता। हाँ, धन्यवाद मेघलाल जी। मैं गौतम प्रसाद कल्याण गुरुकुल चिरकी पी टाँड से हूँ, जो कल्याण गुरुकुल पूरे झारखंड में कल्याण विभाग झारखंड सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी बेरोजगार बच्चे बच्चियां हैं और वो पढ़ाई लिखाई करके किसी कारणवश छोड़ दिए हैं और बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़के लड़कियों को हमारे गुरुकुल के माध्यम से उनको ट्रेनिंग करवा करके और सुनिश्चित रोजगार दिया जा रहा है। और ये संस्था के राष्ट्रीय एकता की तरफ से मुझे भी यहाँ पे बुलाया गया है ताकि इधर के भी जो भी ऐसे बेरोजगार लड़के हैं लड़कियाँ हैं उन तक हमारी पहुँच सके, हमारी जानकारी उन लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक कल्याण गुरुकुल के माध्यम से नौकरी पा करके और इसका लाभ उठा सके। और इसमें अगर जो भी बच्चे बच्चियाँ इस तरह से आने का इच्छुक हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लें जो हमें संपर्क कर सकते हैं, 6207901410। ये हुआ पंपलेट गुरुकुल कल्याण का। और यहाँ पे जो इसमें बताया गया कि जो बेरोजगार इधर इधर उधर लड़का लड़कियाँ जो घूम रहा है, आप इनसे संपर्क करके यहाँ भी आप रोज़गार पा सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, आप संपर्क करें। अगर इधर आपको अगर काम नहीं मिला तो यहाँ पे संपर्क कर सकते। चलिए, हम आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ का नज़ारा क्या है, कि किस तरह लोग जो इधर का कैंप काफ़ी भीड़ था, 200-400 लगभग 200-300 लोगों का लगभग इलाज ट्रीटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम अंदर की ओर जाएंगे धीरे धीरे और पेशेंट से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट कराया जाए। चलिए, यहाँ हमारे डॉक्टर साहब है, दो शब्द रखना चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को। आप सर, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी लगभग हो चुका है? जनरल सर्दी खांसी बुखार सारा दिख रहे हैं। अच्छा, जो जनरल फिजिशियन है, सब तरह से यहाँ पे सर्दी खांसी से लेके हर एक तरह से यहाँ ट्रीटमेंट कराया जाए। चलिए सर, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे ऐसे कार्य जो आप लोग कदम उठाए। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं, यहाँ पेशेंट भी है और पेशेंट को चेकअप किया जा रहा है इधर। तो देखिए यहाँ पे है और कई पदाधिकारीगण भी उपस्थित है और इधर एक और सर से हम जानकारी लेंगे कि सर, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा दो शब्द कुछ रखे, किस तरह का बीमारियों का यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। का जो फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप का जो ऑर्गेनाइजर है वो रोहित कुमार वर्मा के सौजन्य से किया गया है, ग्राम दूध पनिया, गिरिडीह जिला, झारखंड। यहाँ मुख्य रूप से क्रोनिक केस को मैं देखता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद है। इस इलाके में बहुत तरह के पेशेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर के सही ट्रीटमेंट, सही एडवाइस नहीं से ग्रसित है लोग। फ्री मेडिकल चेकअप कराने से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, आने वाला समय में भी बहुत काफ़ी हमने सेशन दिए हैं और मैं देते रहूँगा। इनके और नज़र को मैं बहुत काफ़ी धन्यवाद देता हूँ मैं इसी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। चूँकि फ्री मेडिकल चेकअप में होता है क्या कि गांव ग्रामीण के जो रहते हैं बुजुर्ग और दबे कुचले लोग वो अक्सर पहुंच नहीं पाते हैं, तो इस राष्ट्रीय एकता के तहत से
ये प्रयास किए कि चलो हम लोग गाँव की ओर हम लोग कैंप लगाते हैं और यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं उसको ट्रीटमेंट सही से करें। तो हम अब यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, चूँकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चूँकि ऐसे ऐसे हम वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को में और जागरूकता बन सके। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू, धन्यवाद।